कहानी है एक बिलियनर की जिसने अपने मरते हुए बेटी को बचाने के लिए एक नई दवाई की खोज की है, लेकिन ये दवाई एक काफी खतरनाक वायरस में बदल जाती है और पूरे शहर के लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर मार्कस को देखते हैं, जो कि रैकून नाम के सिटी में रहता था और वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का फाउंडर है, जो कि एक बायोकेमिकल कंपनी है। डॉक्टर मार्कस की अलीशा नाम की बेटी है, जो कि काफी बीमार है, जिसके चलते वो बहुत ही जल्दी बूढ़ी हो रही थी। पर मार्कस किसी भी हालत में अलीशिया को बचाना चाहता है और इसीलिए काफी मेहनत के बाद उसने टी वायरस नाम की एक दवाई बनाई है और इससे अलीशिया पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जिसके बाद मार्कस और उसके लोग इस दवाई को पूरे दुनिया भर में बेचते हैं, लेकिन टी वायरस के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे और इसी के चलते हम साउथ अफ्रीका में देखते हैं, जहाँ पे एक छोटा लड़का जिसने ये दवाई ली थी वो अचानक से एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और आसपास के सारे लोगों को काटने लगता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी बनते हैं। अब अम्ब्रेला का एक सीनियर मेंबर आइजैक को इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन वो इस न्यूज को दबा देता है क्योंकि वो टी वायरस को एज अ बायो वेपन यूज करना चाहता है, लेकिन मार्कस इसके लिए पूरा मना कर देता है। लेकिन मार्कस को पता नहीं था कि आइजैक काफी पावरफुल है। वो अपने लोगों में से एजेंट वेस्कर को बुलाकर मार्कस को मार देते हैं, जिसके बाद आइजैक अलीजा का गार्डियन बन के कंपनी का 50% मालिक बनता है। वहीं मार्कस ने टी वायरस बनाने से पहले अलीशा की आवाज, उसकी पसंद नापसंद, इन सारी चीजों का डेटा स्टोर करके रख दिया था और इसी डेटा का इस्तेमाल करके आइजैक अलीशा की तरह ही रेड क्वीन नाम का एक AI प्रोग्राम बनाता है। अब सीन आता है 10 साल के बाद। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन काफी ताकतवर कंपनी बन गई है, लेकिन इसी के साथ साथ टी वायरस अब पूरे रैकून सिटी में फैलने लगा है और सारा शहर ज़ॉम्बी बन रहा है। इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट इस पूरे शहर पर बॉम्ब गिराती है, पर टी वायरस हवा से फैल सकता है और इसीलिए देखते ही देखते कुछ समय में ही पूरी दुनिया भर के लोग टी वायरस के कारण ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और अब यहाँ पे हम अलीशिया को देखते हैं, जो बड़ी हो गई है और वो एक सर्वाइवर ग्रुप का हिस्सा है, जो किसी तरह ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए Washington DC में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों पर ज़ॉम्बीज की पूरी एक आर्मी आकर हमला कर देती है, जिसमें से सभी लोग मारे जाते हैं। पर अलीशिया एक मेटल हैच के अंदर छुपकर किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। कुछ देर के बाद वो बाहर आती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी का एक पैर चैन से बंधा होने के कारण अलीशिया बच जाती है, जिसके बाद वो फिर टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर जाकर वहाँ पर कुछ हथियार ढूंढने लगती है। लेकिन तभी एक अजीब सा क्रीचर आकर अलीशिया के ऊपर हमला करने लगता है। अब उससे भागने के लिए अलीशिया एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो क्रीचर अभी भी अलीशिया का पीछा करने लगता है और अलीशिया किसी तरह उस क्रीचर को गाड़ी के साथ क्रैश करवाती है, जिसके कारण वो क्रीचर एक जगह पे फंस जाता है और मौका देख के अलीशिया गाड़ी में बॉम्ब रख देती है और उसी ब्लास्ट के साथ वो क्रीचर मारा जाता है। इस वायरस के कारण अलग अलग क्रीचर भी है अब इस दुनिया में। लेकिन तभी अलीशिया को वहाँ पे एक सायरन बजते हुए सुनाई देता है, जिसका पीछे करते हुए अलीशिया एक अंडरग्राउंड बंकर में आ पहुँचती है, जहाँ पे काफी सारे हथियार रखे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रखा हुआ एक फैक्स मशीन चलने लगता है और उसमें लिखा आता है हेलो अलीशिया। और तभी फिर टीवी स्क्रीन पर रेड क्वीन को दिखाई देता है, जो कि एलिस से कहती है कि मुझे अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम नहीं करना है। आगे रेड क्वीन बताती है कि दरअसल इंसानों के पास अब खुद को बचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं। उसके बाद ये पूरी दुनिया ज़ॉम्बी में बदल जाएगी और इंसानों को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे DNA से ही एंटीडोट को एक्सेस किया जा सकता है और इसीलिए तुम्हें अब रैकून सिटी में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाइव नाम के लैब में जाकर टी वायरस का एंटीडोट लेना होगा। इस एंटीडोट के हवा में फैलने से सारे ज़ॉम्बी और क्रीचर मारे जाएंगे। अब एलिस भी मान जाती है और गाड़ी लेकर रैकून सिटी जाने निकलती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी गाड़ी का टायर एक ट्रैप में फंसकर पंचर हो जाता है। लेकिन तभी पास में ही एलिस को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक बाइक दिखाई देती है। वो लेने जाती है कि तभी उसका पैर एक दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और वो हवा में लटकने लगती है और तभी अम्ब्रेला के कुछ सोल्जर आकर एलिस को मारने जाते हैं। लेकिन तभी एलिस भी अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके इन सोल्जर्स को मार देती है। फिर वो बाइक लेने जाती है, लेकिन उसे शॉक लगता है क्योंकि वो खुद कंपनी में काम नहीं कर दी थी, जिससे वो वहीं पर बेहोश होती है।
अब थोड़े समय के बाद उसे होश आता है, तब वो अपने आप को एक दूसरे सर्वाइवर्स के साथ एक छोटे से सेल में बंद पाती है। और तभी वहाँ पे आइजैक आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने लास्ट टाइम जिसे मारा था वो मेरा क्लोन था। जिसके बाद एलिस के हाथ बांध कर उसे टैंक से नीचे फेंक दिया जाता है और वो बेचारी घसीटते हुए टैंक के साथ आने लगती है और रास्ते के सारे ज़ॉम्बीज भाग कर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन एलिस किसी तरह से टैंक के ऊपर चढ़कर सोल्जर को मार के नीचे गिराती है। लेकिन तभी वहाँ पे आइजैक आकर एलिस के साथ लड़ने लगता है। अब यहाँ पे इन दोनों की हम काफी अच्छी फाइट देखते हैं, जहाँ पे पीछे से अभी भी ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अब इसी दरमियान एलिस आइजैक के गर्दन में अपना हाथ रस्सी से बांध देती है, जिसके कारण आइजैक सांस नहीं ले पाता है और इसीलिए उसे एलिस की रस्सी काटनी पड़ती है। तभी एलिस देखती है कि टैंक के अंदर एक बाइक रखी हुई है और बाइक एक्सेस करने के लिए वो सीधा आइजैक का हाथ ही काट कर अपने साथ लेती है और बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। देखते देखते वो रैकून सिटी में भी पहुँच जाती है, लेकिन तभी उसके ऊपर बिल्डिंग से कोई रोशनी मारता है। उसका ध्यान भटक के वो एक पोल से टकरा कर बेहोश होती है। उसे जब होश आता है तब अपने सामने वो कुछ लोगों को हथियारों के साथ खड़ा हुआ देखती है, लेकिन इन्हीं लोगों में क्लेयर नाम की एक लड़की है जो कि अलीशिया की पुरानी दोस्त है। वो अलीशिया को देख के सभी से कहती है कि ये हमारे साथ है, इसे छोड़ो। ये लोग अलीशिया से पूछताछ करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें ज़ॉम्बीज हॉर्ड्स की आवाज आने लगती है, इसलिए सभी लोग छत पर जाते हैं। यहाँ आइजैक ज़ॉम्बीज की पूरी सेना लेकर इनके ऊपर अटैक करने आ रहा है। यहाँ अलीशिया काफी वीक हो रही थी, तभी डॉक नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है। अब ठीक होने के बाद अलीशिया कहती है कि मैं तुम्हारी आइजैक से लड़ने में मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी एंटीडोट को ढूंढने के लिए, और सभी लोग मान जाते हैं। अब रात होते होते आइजैक वहाँ पे पहुँच जाता है अपने आर्मी के साथ। अब इनके पास काफी पेट्रोल के ड्रम थे, उसमें से एक ड्रम को ये लोग टैंक पे फेंक कर ब्लास्ट कर देते हैं, जो देखकर आइजैक अपने टैंक को वहीं रोककर एक सर्वाइवर को गाड़ी के आगे छोड़ देता है, जो इनकी बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है, जिसके पीछे अब सारे ज़ॉम्बीज भागने लगते हैं। जो देखकर एलिशिया उस सर्वाइवर को अंदर लेने के लिए बिल्डिंग का गेट खोल देती है, लेकिन आइजैक उस सर्वाइवर पर हमला करके उसे मार देता है। ये लोग गेट बंद करने जाते हैं, लेकिन तब तक सारे ज़ॉम्बीज गेट के अंदर घुस चुके हैं, और यही मौका देखकर आइजैक एक मिसाइल से गेट को उड़ा देता है, जिसमें डॉग और क्लेयर दोनों भी घायल हो जाते हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बीज हजारों के तादाद में बिल्डिंग में घुसने के लिए बैरियर तोड़ने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज तो इनके ग्रुप में से एक लड़की को भी मार देते हैं। ये लोग एक प्लान बनाकर टेरेस पर जाते हैं और वहां से पेट्रोल को जलाकर नीचे फेंक देते हैं, जिससे आग में जलकर काफी सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। एलिशिया नीचे आकर आइजैक के टैंक को जला देती है, लेकिन उसमें से लीना नाम का सोल्जर आता है, एलिशिया के साथ लड़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज के कारण वो डिस्ट्रैक्ट होता है और एलिशिया उसे मारकर बेहोश करती है। जिसके बाद अलीशिया आइजैक को ढूंढने टैंक के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं होता। टैंक में दो सर्वाइवर होते हैं जिन्हें लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर तभी ये लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज के दो और आर्मीज इन्हीं की तरफ आ रहे हैं, और इसीलिए अब ये लोग एंटीडोट ढूंढने के लिए हाइव के अंदर जाने का फैसला करते हैं। पर वहां जाने के लिए इन्हें पहले शहर के बीचों बीच एक गड्ढे के अंदर से गुजरना पड़ता है, लेकिन इनकी मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही लोग गड्ढे के नीचे पहुंचते हैं कि तभी उनके ऊपर डॉग जैसे दिखने वाले क्रीचर्स, जिनमें इनके ग्रुप के तीन लोग मारे जाते हैं, पर बाकी लोग किसी तरह बचते हैं और अंडरग्राउंड टनल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आइजैक और वेस्टर को देखते हैं, जो कि रेड क्वीन के सिक्योरिटी कैमरा से इन लोगों पर नजर रखे हुए था, और तभी वेस्टर रेड क्वीन से कहकर टनल के दरवाजे बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक ग्रुप के सारे लोग अंडरग्राउंड टनल से दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। जिसके बाद वहाँ पे रेड क्वीन अपने होलोग्राम रूप में आकर उन सभी को टी वायरस के फैलने के पहले की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें आइजैक एक मीटिंग में सबसे कह रहा होता है कि टी वायरस के इस्तेमाल करके हम सारे इंसानों को खत्म कर देंगे सिवाय अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोगों के, यानी कि फ्यूचर में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब यही बचे कुचे लोग अर्थ पर राज कर सकते हैं। ये उनका मेन एम था। इसके बाद रेड क्वीन अलीशिया को वॉर्न भी करती है कि इन्हीं लोगों में से कोई एक आइजैक से मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम आइजैक को देखते हैं, दरअसल वो पिछले टैंक से भाग गया था और यहाँ पे उसे दूसरा टैंक मिलता है। उसे अभी भी अलीशिया को मारना था, इसीलिए वो टैंक के अंदर के सारे लोगों को मारकर टैंक का कब्जा लेता है और आसपास के ज़ॉम्बीज को बुलाकर वो भी अलीशिया के पीछे पीछे जाने लगता है। पर तभी उसका टैंक एक जगह पे फंस जाता है और बाहर सारे ज़ॉम्बीज उसी टैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आइजैक को लग रहा था अब उसका राम नाम सत्य होने वाला है, लेकिन तभी वो टैंक के बाहर आकर भागने लगता है,
जिसके पीछे ज़ॉम्बीज भी भाग रहे होते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ एलिजिया का ग्रुप एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे इन्हें काफी बड़ा फैन दिखाई देता है, मगर बिजली ना होने के कारण वो बंद था और इसीलिए ये लोग एक एक करके फैन के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से बिजली वापस आ जाती है जिसके कारण फैन चलने लगता है, लेकिन थैंकफुली सभी लोग इस तरह पहुंच गए हैं। तभी आइजैक का दोस्त वेस्लर आकर फैन को रिवर्स में घुमाने का ऑर्डर देता है, जिससे कि फैन अब एक वैक्यूम की तरह काम करने लगता है। इसके कारण एक लड़की फैन से ही टकरा कर उसकी मौत हो जाती है और तभी बिजली वापस चली जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग एक वेंट के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वापस लाइट आ जाती है जिसके कारण वेंट का पैनल खुल जाता है और उसी में गिरने के कारण एक की मौत हो जाती है, जिसके बाद और भी दूसरे पैनल्स खुलने लगते हैं जिसमें ग्रुप के बाकी लोग गिरकर अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। वही एलिजिया रेजर नाम के एक आदमी के साथ एक लैब में गिरती है, पर तभी वहां पे दो मॉन्स्टर आकर रेजर को मार देते हैं। लेकिन एलिजिया उन मॉन्स्टर को मार कर भाग आती है और तभी उसे डॉक मिलता है जिसके साथ वो वही मेन लैब में जाने निकलती है। इधर दूसरी तरफ मेन ऑफिस में अब वेस्टर को देखते हैं जो कि अब असली आइजैक को नींद से जगाता है। जिस आइजैक को अब तक हम देख रहे थे वो सारे उसके क्लोन्स हैं। पर इसी बीच में हम क्लारा को देखते हैं जो कि एक बॉक्स में आकर गिरी होती है, लेकिन वो उसमें ब्लास्ट करके वहां से निकल जाती है और उसे जाते वक्त वेस्लर देख रहा होता है। वही दूसरी तरफ एलिजिया और डॉग उन्हें कमरे में कुछ हथियार मिलते हैं, लेकिन असल में ये कमरा एक लिफ्ट होता है और इसीलिए ये दोनों उस लिफ्ट को एक्टिवेट कर ऑफिस की तरफ जाने रखते है, जहाँ इन्हें काफी सारे स्लीपिंग पॉड दिखाई देते हैं जिसमे अम्ब्रेला के काफी सारे मेंबर सोए हुए थे। दरअसल ये लोग टी वायरस के खत्म होने का वेट कर रहे थे, लेकिन एलिजिया वहाँ कुछ बॉम्ब्स लगा देती है। इसके साथ डॉग के साथ मिलकर वो ऑफिस पहुँचती है और यहाँ उसकी मुलाकात आइजैक से होती है। लेकिन अब 48 घंटे पूरे होने के लिए सिर्फ 9 मिनट रह गए हैं और इसीलिए आइजैक एलिजिया को बंदूक फेंकने की धमकी देता है, वरना वो एंटीडोट की बोतल तोड़ देगा। और तब मजबूरी में उसे ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन डॉग अपनी बंदूक नहीं फेंकता और यहाँ हमें समझ आता है कि डॉग वही आदमी था जो आइजैक के लिए काम कर रहा है। वेस्लर भी क्लारा को लेकर वहाँ आता है। अब एलिजिया आइजैक को मारने के काफी सारे तरीके सोचने लगती है, पर वही आइजैक ने अपने दिमाग में साइबोर्ग इम्प्लांट करवाया था जिसका इस्तेमाल करके आइजैक पहले ही उन सभी तरीकों को सोच लेता है। और तभी आइजैक एलिजिया से कहता है कि दरअसल तुम भी एक क्लोन हो और इसलिए तुम्हारे पास अपने बचपन की एक भी याद नहीं है। और तभी हम एक व्हीलचेयर पे ओरिजिनल एलिजिया को देखते हैं जिसके डीएनए का इस्तेमाल करके इस एलिजिया को बनाया गया था, पर अपनी बीमारी के कारण एलिजिया एक यंग एज में ही काफी बुजुर्ग दिख रही है। अब यहाँ एलिजिया आइजैक को मारना चाहती है, लेकिन अपने बीमारी के चलते वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन क्योंकि अब वो भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की 50% हिस्से की ओनर है, इसीलिए एलिजिया वेस्लर को कंपनी से निकाल देती है, जिसके कारण वेस्लर अब कंपनी का मेंबर नहीं है। और तभी वहाँ पे रेड क्वीन वेस्लर के पैर पर एक दरवाजा गिराकर उसे घायल कर देती है। इसी बीच में डॉग अब एलिजिया पर गोली चलाता है, पर एलिजिया ने उसे बंदूक पहले ही खाली कर दिया होता है क्योंकि उसे डॉग पर पहले से ही शक था। तभी क्लेयर आकर डॉग को मार देती है, मगर इसी बीच में आइजैक वहाँ से भागने लगता है जिसके पीछे एलिजिया और क्लेयर लग जाते हैं। और जाते हुए ये लोग वेस्लर के हाथ में एक बॉम्ब देते और कहते कि अगर तुम बेहोश हो गए तो सारे लोग मारे जाएंगे। वही दूसरी एलिजिया अब कंप्यूटर के सामने अपने बचपन की यादें ढूंढने लगती है। तो यहाँ दूसरी एलिजिया और क्लारा लिफ्ट में जाकर आइजैक से लड़ने लगते हैं, लेकिन साइबोर्ग इम्प्लांट के कारण आइजैक इन दोनों पे भारी पड़ता है, जिसके बाद आइजैक एलिजिया को एक लेजर रूम में फेंक कर लेजर को एक्टिवेट कर देता है, पर एलिजिया किसी तरह लेजर से बच जाती है, जो देखकर आइजैक खुद उससे लड़ने लगता है। इसी बीच में हम देखते हैं एलिजिया ने चालाकी से आइजैक के जैकेट में फाइट के दौरान एक ग्रेनेड रख दिया होता है और लड़ाई के दौरान उसकी पिन खींच देती है, जिससे वहां पे एक धमाका होता है और आइजैक घायल हो जाता है, जिसके बाद एलिजिया फिर आइजैक के पास से वो एंटीडोट लेकर हाइव से बाहर आती है, लेकिन पीछे से आइजैक आकर उसे रोकता है। लेकिन इसी बीच में वहाँ पे आइजैक का दूसरा क्लोन भी आता है, लेकिन असली आइजैक को देखकर क्लोन को काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ओरिजिनल है। वो क्लोन असली आइजैक के साथ लड़ाई
करते और उसे मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जॉम्बी आकर उस क्लोन आइजैक को भी मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्लर भी मारा जाता है, जिसके कारण सारे बॉम्ब्स फटने लगते हैं और पूरा हाइव तबाह हो जाता है, जिसमें अलीशिया भी मारी जाती है। जबकि इधर वाली अलीशिया अब एंटीडोट को गिरा देती है, जिसके कारण देखते देखते सारे जॉम्बी तुरंत मरने लगते हैं। पर इसके वजह से अलीशिया भी बेहोश हो जाती है। अब फाइनली थोड़े समय के बाद उसे होश आता है, तब उसके सामने रेड क्वीन होती है और वो कहती है, लीजिया ने मरने से पहले अपने बचपन की सारी यादें तुम्हारे लिए अपलोड कर दी है। और इसी के साथ अलीशिया को अपनी एक पर्सनालिटी भी मिलती है। वही क्योंकि एंटीडोट हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैलने के लिए कई साल लगने वाले थे, इसलिए अलीशिया अब फैसला करती है कि वो बचे हुए मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज से लड़कर उन्हें मारते हुए एक नई जिंदगी शुरू करेगी। और यहीं पे ये मूवी और रेसिडेंशियल इविल का पूरा सीरीज खत्म होता है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।